आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिन है, जिसके मद्देनजर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा देवड़िया भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस ध्वज फहराकर स्थापना दिन मनाया गया। इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेतीनला समेत शहर के मुख्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी अनुरूप आज कांग्रेस को 139 साल हो चुके हैं। इस महत्व के मद्देनजर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस ध्वज फहराकर स्थापना दिन मनाया गया। इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत शहर के मुख्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे, जहां विशेष रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तिमवार, सतीश चतुर्वेदी, विधायक विकास ठाकरे आदि विशेष रूप से मौजूद थे। इस समय मौजूदों को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस की पुरातन संस्कृति है, जो हमेशा से जन सेवा में रत रही है। आज 139 साल कांग्रेस को हो चुके हैं और हमारे साथ जनता भी देश में और राज्य में परिवर्तन चाहती है, ऐसा प्रतिपादित कर उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस यकीनन जीत दर्ज करेगी। इस समय कांग्रेस प्रभारी रमेश चेतीनला ने संबोधित किया कि हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है और यकीनन कांग्रेस के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने मृगाच्या मृगातील लड़ाई या देशाच्या जनतेकडून पैसे घेऊन लढली आणि प्रामाणिकपणे लढली आणि या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले। आज देश अडचणीत आलेला आहे आणि अशा अडचणीच्या वेळेस सगळ्यांचं योगदान कांग्रेस सोबत असलं पाहिजे, ही भूमिका कांग्रेस पक्षाची आहे। आम्ही कोणासारखं मिसकॉल देऊन आम्ही जगातला मोठी पार्टी आहे असं करणारा आमचा पक्ष नाही आहे। आम्ही जे आहे ते रूपांतरित आहे, त्याचा हिशोब आम्ही जनतेला देऊ। राम मंदिराच्या पैशाचा हिशोब यांनी द्यावा ना, त्यांनी त्यांच्यावर मला प्रतिक्रिया द्यायची नाही। आणि जे चांगलं करतात कारण ते सगळे वाईटच करतात आहे। आणि इस देश को आगे लाने के लिए हमको कोशिश की। अभी हमारे दायित्व बनते हैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और देश के भलाई के लिए काम करना। मुझे विश्वास है आज कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और साप्ताहिक ताकतों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। हम इस देश में साप्ताहिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।